विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। आज सुबह थाना MM गेट में डॉक्टर योगिता गौतम जो SN मेडिकल कॉलेज में MD कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने आकर यह सूचना दी है कि वो कल शाम से अपने घर पर नहीं है और उनका फ़ोन ऑफ है, जिसके संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ पढ़े हुए लड़के डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बार बार फ़ोन करना, परेशान करना और धमकी भी दी जाती रही है। इसके अतिरिक्त आज सुबह थाना डॉकी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी तत्काल पुलिस टीम ने शिनाख्त कराते हुए पहचान कराया और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर घटना किस प्रकार से की गई है, घटना में शामिल गाड़ी, अन्य जो पदार्थ, अन्य मटेरियल जिसका उपयोग किया होगा, जो इंजरी उसने पहुंचाई है, उन सभी चीज़ों को बरामद करते हुए घटना का आकलन किया जाएगा।